जिस दिन FT2 का हमने ओपनिंग सेरेमनी की थी, हमने कहा था कि हम इसको एक मेगा सिटी बना रहे हैं, एक ग्रैंड शहर बना रहे हैं जो पिंडी इस्लामाबाद को एक रिप्लेस करेगा नए शहर से। हम इसमें एक डाउनटाउन बना रहे हैं, उसका नाम हमने दिया है CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सिर्फ इसका मरकज जो है फैसल टाउन फेज 2 का, वो 5,500 कनाल का है। ये बिल्डिंग जोहेर मजीद साहब बनाएंगे, 225 बैक पे है और 364 जो है वो सेंटर वाली है। इतनी बड़ी प्लानिंग का और ग्रीन एरिया का और हाईवे का जाल बिछा हुआ आपको नजर आएगा। मैं बड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, मैं इंशाल्लाह जैसे हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, जिस तरह दुबई मरीना के अंदर आपको बैंक्स मिलते हैं, साथ वॉकिंग ट्रैक्स मिलते हैं, बेंचेस मिलते हैं, लोगों के अपार्टमेंट्स के साथ साथ पानी के साथ बैंक्स बनकर फेंस हुई भी है, इंशाल्लाह जी हमारी मैनेजमेंट की पूरी यही कोशिश होगी कि आपको वही व्यू, वही फैसिलिटीज आपको CBD के अंदर मिले। थीम पार्क के हवाले से आपको मैं पहली खुशखबरी दे देता हूँ कि तकरीबन 150 से 200 करोड़ पहले ही थीम पार्क के लिए डिज़ाइन करके नाम के पास हमने बिल्कुल तैयार छोड़ी हुई है। हम इंशाल्लाह किसी के इंटरनेशनल लेवल कंपनी को इंगेज करके आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का थीम पार्क बनाकर इंशाल्लाह ऑपरेट भी करते हैं। जू के अल्टरनेटिव हमने एक बोटानिकल गार्डन जो कि एग्जैक्टली ऑफ द साइज ऑफ थीम पार्क है, वो भी मौजूद है प्लानिंग के अंदर और इंशाल्लाह आपको जू कम बोटानिकल गार्डन हम एग्जीक्यूट करके देते हैं। तकरीबन मेरे नाकिस अंदाजे से 100-125 कनाल क्लब के लिए भी रिजल्ट किया है। खुद आपको स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब बनाकर हमारे मेंबर्स के हवाले करें। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी पे आना है, आप सब लोगों के बाहर क्लाइंट है, आप अभी उनसे पैसे बात करें कि आपके पास पाकिस्तान में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ईद के देर बाद शाम का रखेंगे, उसमें आप सब दोस्तों ने टाइम पे पहुंचना है, हम आपको एक रूट भेजेंगे, उस रूट से आपने आना है। जो आपके क्लाइंट हैं उनको एक थोड़ा सा मोटिवेट करें कि उनके अगर हमारे पास एड्रेस ठीक नहीं है, फ़ोन नंबर को पुराना लिखा है, तो आप वो अपने अपने एक कम्युनिकेशन के लिए अपने नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर हमारे पास अपडेट कराएं। इसमें आप ही ये थोड़ा सा लोगों को गाइड करें, अपने अपने जो हमारे यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया वाले हैं या जो आपके क्लाइंट आए, सबसे पहले कोई रसीद काटने आए, कोई हालात पूछे, तो उसका एड्रेस ज़रूर बता के हमारे ये लड़कों के साथ रखें, ताकि उनका जितना एड्रेस अपडेट होगा, उनको जो कंपनी वक्तन फवक्तन न्यूज़लेटर भेजती है, खुशखबरियाँ सुनाती है, उनको अचीवमेंट बताती रहती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचनी चाहिए।